वैसे इस अमर क्षेत्र अमर कटक के पुण्य क्षेत्र में मेरा पांचवा बार आना हुआ, पांचवी बार आना हुआ और दो बार, एक बार ग्रहण का शिविर मैंने यहाँ संपन्न किया हैदराबाद से आकर, और एक बार नागपुर वालों ने यहाँ शिविर संपन्न, गुजरात वालों ने यहाँ सर्वोच्च मिले गए, और नर्मदा की परिक्रमा करते समय दो बार यहाँ आकर गया। वैसे अमरकंटक माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है और पुण्य स्थली है। कहते हैं कि नर्मदा के किनारे जितने भी साधु संत हो गए या साधु सत्पुरुष हुए, शंकराचार्य जी ने भी इसी नर्मदा के किनारे अपनी गुरुदीक्षा संपन्न की थी गोपाल गोविंदाचार्य से, और ये नर्मदा के पुण्य क्षेत्र है। नर्मदा का हर पत्थर हर कंकर शंकर कहलाया जाता है, यहाँ का लाल पत्थर का नाम गणेश जी कहलाया जाता है, यहाँ स्कंद का आविर्भाव हुआ, और इसी नर्मदा के उद्गम स्थान पर आज हम शिविर संपन्न कर रहे हैं। पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी डॉक्टर नारायण सिंह सद्गुरुदेव जी से 1984 में जुड़ा, 84 से लेकर मैं सरकारी नौकरी में था, और प्रभु सद्गुरुदेव जी को पहली बार जब मिला मैंने उनकी पुस्तक तांत्रिक सिद्धियाँ पढ़ी थी, और तांत्रिक सिद्धियाँ पढ़ने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि प्रभु सद्गुरुदेव जी ने कहा है साधना मार्ग से हम सब कुछ साध सकते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बगला मुखी तारा आदि साधनाओं के बारे में लिखा। मुझे जिज्ञासा हुई, क्योंकि बचपन से भी अध्यात्म के क्षेत्र में मेरे माता पिता के रहने के कारण अध्यात्म क्षेत्र में था, मैं गुरु से मिलने से पहले सेवाओं के गजानन महाराज को की भक्ति किया करता था, बाद में उनकी ही आज्ञा पर प्रभु सद्गुरुदेव जी से मिला। परम सद्गुरुदेव जी से मिलने के बाद मैंने पहली बार गुरु जी के पास जब गया, मैं जोधपुर गया था, तो गुरु जी से मैंने ये कहा कि प्रभु आपने लिखा है कि साधना मार्ग से भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भगवान को प्रत्यक्ष देखूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा तो कहाँ से आया, मैंने कहा मैं हैदराबाद से आया, पहले गुरु तो यह अगर भगवान को प्रत्यक्ष करना है तो गुरु करना है, गुरु की दीक्षा ले। हमारे घर में शंकराचार्य की परंपरा थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरे माता पिता को बिना पूछे मैंने गुरु से कहा प्रभु अगर आप भगवान का दर्शन करवाते हैं तो मैं जरूर आपकी दीक्षा लूँगा। और पहली बार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे 84 में गुरु दीक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रभु गणपति के भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए मैंने साधना मांगी, क्योंकि मैंने बचपन में हमारे गांव में गणेश जी का मंदिर बांधा था, और किसी कार्य के लिए भी श्री गणेश जी आदि देवता कहलाए जाते हैं जो विघ्नों का नाश करने वाले हैं, और मैंने उनसे पूछा कि मैं गणपति साधना करना चाहता हूँ। प्रभु ने गणपति साधना की, और मैंने ये साधना जोधपुर में ही लेकर संपन्न की, और मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि साधना के पास से हम प्रभु देव किसी भी देवता का दर्शन ले सकते हैं, मुझे इसका अनुभव हुआ। उसके बाद मैं गुरु से जुड़कर रहा, जुड़ा हुआ बहुत दिन कार्य करता रहा, और 84 से लेकर 93 तक मेरी भूमिका इसे रही कि मैं गुरु जी की साधनाएं करता था, एक भी साधनाएं सफल नहीं होती थी, और कोई कार्य बोलता तो कार्य नहीं होता था, कभी कभी किसी क्षण इतना निराश हो जाता था कि प्रभु मेरा कार्य एक भी नहीं हुआ, लेकिन यह बात मैं गुरु से नहीं कह सकता था। 1993 में वो दिन की याद है, 3 जून था, और मैं दिल्ली में गुरु से मिलने गया, जबकि मेरी समस्या ऐसी थी मैंने साधना के मार्ग में आकर मेरी नौकरी छोड़ दी थी, सरकारी नौकरी थी, पत्नी को भी सरकारी नौकरी थी वो भी छोड़ दी, और कह दिया कि प्रभु आपके समर्पण में आया। तब मेरे माता पिता, मेरी गली के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे दोस्त, अरे क्या सरकारी नौकरी छोड़ के साधना करते हुए बैठा हुआ है, साधना से क्या पेट भरेगा, क्या साधना से तेरी बच्चियों की शादियाँ होगी क्या, तो कैसे कीजिएगा, ये बेकार है कि साधना के मार्ग को छोड़ दे नौकरी कर ले, उनका कहना था। लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास था कि साधना मार्ग से मैं हर चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन 10 साल का समय होने के कारण, 10 साल मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं करने के कारण निराशा तो छाई हुई थी, और गुरु जी के पास गया, और गुरु जी को उस दिन दिल्ली में गुरु जी थे, और मैंने गुरुचरण में
प्रार्थना करके क्या कि गुरु जी मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूँ। गुरु जी ने मुझे बुलाया, तब गुरु जी ने मैं गुरु जी से कहा, मैं ये नहीं कहा कि मैंने साधना की है मेरी सिद्धि नहीं मिली या नहीं मिली, कोई मुझ में भी दोष था होगा या नहीं मिला, लेकिन गुरु से एक बात कही, प्रभु मैं इस संसार में जो कुछ भी हो, नौकरी छोड़ दिया हूँ या नौकरी नहीं करता हूँ, सबके ताने सुनता हूँ, सभी लोग मेरी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं मुझे, मुझे इसका भी कोई जिक्र नहीं, इसका भी कोई मुझे लज्जा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मैं जीऊंगा तो प्रभु आपके नाम से, आपके साधनों के बल पर, आपकी कृपा से जीऊंगा तो सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जीऊंगा, यार मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति प्रदान करो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का कुछ भी कोई प्रकार का विजय नहीं, मैं असमर्थ जीना नहीं चाहता, आपका शिष्य बनकर जीऊंगा तो सामर्थ्यवान जीऊंगा, मैं जीऊंगा और मेरे साथ आधार लोगों को जीने की क्षमता रखता हूँ, तो मुझे वो जीवन देना, नहीं तो मुझे जीवन नहीं चाहिए, ये मैंने गुरु से मांगा, यह मैंने गुरु से मांगा था, क्योंकि 10 साल का समय हो गया था गुरु से जुड़कर, और जब गुरु ने मुझे देखा और देख कर उस दिन मुझे याद है, गुरु ने कहा जोशी तुम मेरी परीक्षा में पास हो गया, और गुरु जी ने जिस दिन उस दिन जो दीक्षा मुझे प्रदान की, गुरु जी मुझे मेरे आज भी याद है, मेरे पूरे पूरे कपड़े धुलवाए थे और मेरे शरीर को उनके पैर के अंगूठे से उन्होंने शरीर को स्पर्श करके कौन सी दीक्षा की मैं नहीं जानता, लेकिन जिस दिन दीक्षा की और मैं दीक्षा लेकर गुरुचरण में नमस्कार करके जब बाहर आया, बाहर आके जैसे ही चलने लगा तो लोग मुझे कहने लगे अरे जोशी तू तो देवता है, कल तक जो अवहेलना करते, कल तक जो मैंने मुझे इस तरह देखते थे कि इसका ये कुछ काम वाला नहीं, बेकार है, और उस दिन गुरु ने कहा था जोशी तू 10 साल से जिस विश्वास के साथ तुमने साधना की है आज मैं उस सारी साधनाओं का फल तुझे प्रदान कर रहा हूँ, और मैं तुझे कहता हूँ कि तू आज से असमर्थ नहीं जिएगा, तू जीवन जीवन के आखिर क्षण में मेरी कृपा से सामर्थ्यवान जिएगा, और मैं आपको आज एक नौकरी करने वाला मैं अपनी नौकरी छोड़कर साधनाओं के मार्ग पर चलते हुए गुरु जी के बाद में 93 के बाद 94 से 97 तक 5 शिविर हैदराबाद में किया, 6वां शिविर महाराष्ट्र सोलापुर में भी किया गुरु जी के कहने पर, और गुरु जी जब गुरु पूर्णिमा में आए तो गुरु जी की आप अगर कहें तो 97 की एक पूर्णिमा थी, अब 98 गुरु पूर्णिमा में गुरु जी महाप्रयाण होकर चले गए, गुरु पूर्णिमा 98 की 7, 8 और 9 जुलाई को थी और गुरु जी का महाप्रयाण 3 तारीख को हुआ था, और गुरु जी जिस समय सारे लोग आए थे गुरु जी मुझे मिलने के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में आने के लिए कहा कि जोशी तूने तो सब गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर ली है, क्योंकि 7, 8 को ही गुरु पूर्णिमा थी, मैंने सब हाल बुक कर दिया था, सब जितना जितना भी तैयारी की हाल का सबका कहने का पकवान वाले सबको तैयार किया थे, और गुरु ने 2 तारीख की रात को मुझे बुलाकर कहा जोशी बेदार है इस बार गुरु पूर्णिमा नहीं होगी, मैं गुरुचरण में झुक गया, गुरु जी कोई बात नहीं आप अच्छे हो जाओ, वो हमारे गुरु पूर्णिमा से भी बढ़कर है, ये मैंने गुरुचरण में नमस्कार करके आंखों में आंसू लगाकर कहा कि गुरु जी आप हॉस्पिटल में हैं आप अच्छे हो जाओ, बस मेरे लिए वो यही चाहिए, गुरु ने कहा जो भी है खुशी तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा वो नुकसान हुआ ऐसा था गुरु जी, मेरा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आने जाने वाली बात है, आज पैसा रहा तो चला जाएगा, आज है तो चला जाएगा, आपका अच्छा होना मेरे लिए जरूरी है, और मैं गुरुचरण में गुरु जी के पास रहा और कहा जोशी तेरा कल्याण होगा, लेकिन एक बात याद है गुरु जी ने जो भी आखिरी समय में कहा गुरु जी ने ये वचन भी मेरे साथ ले लिया कि जो मैं तुझे कह रहा हूँ ये किसी को मत बताना, मैं तेरा कल्याण करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे गुरु कार्य करना है, और मैं तब से ठान लिया कि मैं गुरु कार्य करूंगा, बस गुरु जी से मैंने इतना ही मांगा था कि मुझे सामर्थ्यवान बनाऊ, मुझे असमर्थ बनाऊ गुरु जी कि मैं गुरु कार्य करता रहा, और दूसरे दिन गुरु जी चले गए, वैसे गुरु पूर्णिमा को हैदराबाद चले, उसी समय नेपाल से भी शिष्य आए थे, सारे लोगों से आने लग गए थे, और मुझे दूसरे दिन ये पता चला कि सुबह सुबह गुरु जी का महाप्रायण हो गया, मैं सभी शिष्यों को लेकर जोधपुर गया, हमसे एक पूरी फ्लाइट बुक कर दिया था, मेरे साथ 100 लोग थे जो मैं गुरु जी को महाप्रायण के लिए मिलने गया था, सभी लोगों को एक फ्लाइट में लेकर गया था, गुरु जी के अंतिम संस्कार में मैंने भाग लिया, सब तभी सभी लोग थे, लेकिन यह था कि गुरु जी ने ये भी वचन दिया था कि मेरे जाने पर जोशी कभी आंसू ना बहाना, मैं आंसू बहाने के लायक नहीं, मैं जहाँ भी हूँ कभी भी तू बुला मैं आता हूँ, जहाँ भी तू मुझे बुला मुझे मैं आता रहूँगा, ये गुरु जी के वचन थे, और मैं आज जहाँ भी बुला रहा हूँ मैं गुरु जी की प्रत्यक्षता उपस्थिति देख लूँ, सभी लोगों को एक मेरे बारे में प्रचार भी किया जाता है, ये प्रचार कि गुरु जी ने 3 पुत्र
पुत्रों के सेवा किसी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया। मैं आपको इसके बारे में बता रहा, मैं दक्षिण का हैदराबाद का रहने वाला हूँ और वहाँ दक्षिण में मुझे तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा और दक्षिण की भाषाएं मराठी आदि भाषाएं आती हैं। जब गुरुजी शिविर करने हैदराबाद आए थे तो वो लोग सब तेलुगु भाषी लोग थे। गुरु ने कहा मेरे हिंदी में पत्रिकाएं आती हैं, तेलुगु में पत्रिकाएं भी नहीं है, लेकिन पूरे हैदराबाद में जो शिविर किया है यहाँ सब हिंदी भाषी लोग जो हिंदी नहीं जानते ऐसे लोग बैठे हुए, इन लोगों को मेरी भाषा समझ में आएगी नहीं आएगी, ये मेरी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जहाँ उत्तर भारत हो यहाँ मध्य प्रदेश हो वहाँ हिंदी आती है, मेरी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो लोग वहाँ जवाब भी होते हैं, बहुत से लोग आते भी हैं तो मेरी पत्रिकाएं पढ़कर मेरी भाषा सुनते हैं, यहाँ कौन सुनता है, यहाँ तो मेरी बात सुनते हैं, तेरे को समझते हैं। और गुरु जी ने उस दिन मुझे कहा था कि ये गुरु के बारे में समझे, गुरु दीक्षा के बारे में समझे, गुरु मंत्र दीक्षा के बारे में समझे, इसलिए तुझे तेलुगु में समझा, तेरी भाषा में समझा, और मुझे मैं आज तुझे यह अधिकार देता हूँ कि तू गुरु मंत्र दे दे, क्योंकि वो समझेंगे। और मैंने उस दिन से गुरु मंत्र जब गुरु जी के सामने ही गुरु मंत्र दिया था। और उस दिन के बाद गुरु जी, मैं दिल्ली पे गया था एक बार, हमारे सारे ऐसे जैसे आप लोग जाते हैं वैसे गुरु से मिलने गया था तो मेरे साथ सब तेलुगु भाषी लोग थे, बैठे हुए थे। गुरु जी उस समय थोड़ा बीमार चल रहे थे, उनको आंखें पीले हुई थी और गुरु जी किसी से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिलने गया था तो गुरु जी कुछ समय के लिए मिलने के लिए आए और बैठे हुए थे गुरु जी हम सब के लिए, और गुरु जी को ज्यादा कष्ट नहीं देना इस माध्यम से कहा, गुरु जी केवल चरण स्पर्श करके हम चले जाते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। गुरु जी आए और बोले, जोशी इतने सब लोगों को लेकर आए? हाँ गुरु जी, देखा अभी सभी को चरण स्पर्श करवा। अब गुरु दीक्षा की बात है तो मैंने तुझे पहले ही कहा है, तो मेरे सामने मैं यहीं बैठा रहता हूँ, इनको सभी को गुरु मंत्र की दीक्षा दे दे और इनका जो भी गुरु दक्षिणा की गुरु दीक्षा की दक्षिणा है दे। उस दिन भी मैंने गुरु जी के सामने ही गुरु मंत्र दिया। उसके बाद गुरु जी ने जब अंग के अंतिम समय में लीलावती हॉस्पिटल में गया तब गुरु जी ने कहा कि मुझे गुरु कार्य आगे करना है, और गुरु कार्य आगे करने के लिए मुझे वो लोगों को भी समझाना पड़ा जो अहिंदी भाषी है, जिनको हिंदी नहीं आती, और मैं तब से गुरु दीक्षाएं देने लगा। और गुरु जी को पूछने के बाद मैंने कहा कि गुरु जी इतनी दूर से जोधपुर नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, और उनको साधना करने की इच्छा है तो लोग साधना करने के कारण छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, कभी पत्नी बाहर रहती है या पत्नी महीनेवारी में रहती है, घर में दूसरी समस्याएं, माता पिता की समस्याएं, एक कमरा नहीं होता, साधना की स्थली नहीं होती, तो लोग साधना करना चाहते हैं। बोले मैं एक साधना स्थली का निर्माण करना चाहता हूँ, जो लोग आकर साधना कर सके ऐसा स्थल का निर्माण करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा है ऋषि, और गुरु जी को मैंने न्याय भी बताया था कि गुरु जी इस प्रकार में यहाँ साधना स्थली का निर्माण करना चाहता हूँ। गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी थी और उसके बाद मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। केवल इसलिए क्या हूँ कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनको साधना करने की इच्छा होती है लेकिन वो साधनाएं अपने घर में ठीक तरीके से नहीं करते, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता या उनको यंत्रों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से कुछ साधना में अड़चने आती है, तो बीच में भी अड़चने साधना छोड़ देते हैं, ऐसा न करते हुए जो साधना करने के लिए एक स्थल हो, उनको मार्गदर्शन मिले, इसी उद्देश्य के साथ में निखिल चेतना केंद्र की स्थापना 1998 में की, लेकिन 12 वर्ष सब काम शुरू हुआ 2000 में। 2000 की गुरु पूर्णिमा से मैंने वहाँ कमरे बांधे और साधना स्थली का निर्माण किया, गुरु जी की मूर्ति की स्थापना की। वहाँ से तब से 2000 से लेकर साधना के लिए पहले वहाँ के लोग आते थे, आज पूरे भारत के लोग मेरे आश्रम में कम से कम 200 लोग रोज रहते हैं, सब गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से है, रांची से है, अपने उड़ीसा से है, तेलंगाना से, आंध्रा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, इस प्रकार सारी साधकों का की टोली वहाँ है और रोज सुबह और शाम 3 समय भी साधक वहाँ रहकर सेवा में है और मैं मंदिर मांग रहा हूँ। मेरा केवल निखिल चेतना केंद्र बांधने का उद्देश्य यह था कि मैं गुरु कार्य कर सकूँ और साधना को साधना का मार्ग बता सकूँ। आज आपको सभी को बता रहा गुरु जी ने मंत्र विज्ञान की पत्रिका की और पत्रिकाओं में गुरु जी साधनाएं देते हैं, साधनाएं देते हैं इसलिए कि वो साधक बने, और गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की परिवार नाम की संस्था का स्थापन किया। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रभु का उद्देश्य था कि साधना करने वाले साधक उत्पत्ति हो और साधकों की इच्छाएं पूर्ण हो, वो मार्गदर्शन में कर सकूं। साधना करने पर ही हम अपना कार्य कर सकते हैं। आजकल एक प्रकार का ट्रेंड चला है, मैं शक्तिपात दीक्षा देता हूँ तो चले जाए, तो गुरु मंत्र करने की आवश्यकता नहीं और कुछ नहीं चले जरा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये होने के बाद आज मुझे अमरकंटक में आना क्यों पड़ा, मैं हैदराबाद में इच्छित था। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ मुझे कोई इच्छा नहीं है ना गुरु बनने की
ना आकर इस ज्ञानी मैं मेरी जगह साधना करते हुए मेरे शिष्य मेरे वहां जो भी मेरे चाहते हैं उनके साथ बैठकर साधना करते हुए बहुत आनंदी जीवन जी रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आकर आपके पास से पैसा कमा लेकर जाऊँ या पैसा हट कर जाऊँ, या मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं पैसे को बहुत दूर रखता हूँ इस कारण क्यों कारण कि मैं गरीबी से अब ऊपर आया हूँ। मुझे एक एक पैसे का ज्ञान है। एक पैसा आदमी कब से कमा कर लाकर कब दे सकता है और वो देता है गरीब अपने अपने पास से पैसे 1000 दो या 2000 दो तो अगर उसका काम नहीं होता तो उसको 1000 रुपये देने के लिए 2 दिन उपवास भी करना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसे भी दिन मैंने ऐसे गरीबों को भी देखा है। और इस गरीबी को देखकर मैं चाहता हूँ कि अध्यात्म यानी ये जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कभी बेचा नहीं जाए, उसका व्यापार ना हो, रिक्शाओं के मार्ग से या कोई गुरुजाल से मार्ग से हो, किसी भी मार्ग से अगर धर्म बेचा जाता है, आज तो हो रहा है, और जब तक धर्म बेचा जाएगा हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पास ऋषि ऋषियों की परंपरा चलिए, ऋषि जंगलों में रहते थे, झोपड़ी बांध कर रहते थे, लेकिन कोई महाराजा प्यासा भूखा या उनके पास आता था तो उनके पास कामधेनु थी, उनके पास कल्पवृक्ष था, वो लक्ष्मी को अपने घर में अपने आंगन में रखते थे। और जब वो लोग आते थे तो उनको आज विश्वामित्र के आश्रम में हो या वशिष्ठ जी के आश्रम में हो, जब वशिष्ठ जी के आश्रम में पहले विश्वामित्र जो राजा थे विश्वरथ नाम के राजा थे वो उनके आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि उनको भूख लगी है, उनके साथ 3000 शिष्य थे। वशिष्ठ आश्रम में आए और कहा कि आश्रम में क्या पानी पीने को मिलेगा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं हे महाराज अब इतने महान हैं यहाँ पानी पीने को क्या, आप थोड़ी देर स्नान होकर तैयार हो जाइए, आपको तो खाना परोस दूंगा, आप जो चाहते हैं वो खाना दूंगा। विश्वरथ बोलने लगे इस झोपड़ी में रहने वाला जिसके पास पत्थर भी खाने को नहीं है ये मुझे क्या खिलाएगा? उन्होंने समझा कि कोई ऐसी रोटी पिटी सूखी पिटी डालकर चला देगा। नहीं भाई पानी दे दो। नहीं महाराज आप बैठ जाओ मैं आपका सब इंतजाम करता हूँ, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा और अपने काम फिर के पास गए। मंत्र पढ़ा तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा महल खड़ा हो गया, अप्सराएं परोसने के लिए आई, सोने की थाली में ऐसे व्यंजन दिए गए कि देखकर विश्वामित्र दंग रह गया। और वो जब खाना खाकर रुकने लगा अप्सराएं परोसने लगी और ये सब देखकर इस ऐश्वर्य को देखकर विश्वामित्र को लगा ठीक लगा ये जो क्षत्रिय तो है इसको तो धिक्कार है इसके सामने, या जो ब्रह्मत्व है जिसके सामने अप्सराएं परोसती है, जिसके पास सोने की थाली है, जो झोपड़ी में रहकर इतना करता है, ये क्षत्रिय का काम नहीं आती, ब्रह्मत्व ही श्रेष्ठ है और ब्रह्मर्षि बनने के लिए आगे गया। आज हम किस पद्धति पर जा रहे हैं, क्या हम उस पद्धति को अपना सकेंगे? उस कल्पुरुष को जो वशिष्ठ सूखी रोटी गाय का दूध पीकर जीते थे और लोगों को आते थे तो उनको सोने की थाली में देते थे, अक्षराओं के साथ पूछते थे, वो विद्या कहाँ गई, वो साधना कहाँ गई, वो ऋषि तत्व कहाँ गया? आज हम कहाँ हमारे पास आते हैं तो लोग हम उनके पास से लेने की बात करते हैं, जबकि वशिष्ठ ने अपने काम धेनु से दिया तब विश्वामित्र को लगा कि मैं इस काम धेनु को मैं राजा हूँ यहाँ से ले जाऊँ। और उन्होंने कहा वशिष्ठ ये तुम्हारे पास काम धेनु रखने के क्या करते हो, मैं राजा हूँ और मैं इस काम धेनु को उठा कर ले जाता हूँ। वशिष्ठ ने कहा वो तुम्हारे बस की बात नहीं क्योंकि मैं ब्रह्मर्षि हूँ, तुम उसको नहीं ले आ सकते। राजा ने अपने सैनिकों को कहा चलो इस ऋषि ये छोटा दाढ़ी बढ़ाया हुआ बैठा है ये बूढ़ा अपना क्या करेगा, गाय को खींच लो काम धेनु को ले चलेंगे। जैसा ही काम धेनु को लेने चले गए बहुत बार वशिष्ठ जी ने समझाया वो लोग नहीं माने, केवल उन्होंने गाय के पूंछ का एक बाल उखाड़ा और डाल दिया तो सारे सैनिक गलकर भस्म हो गए। उन्होंने देखकर डर गए विश्वामित्र की यह क्या शक्ति है, मेरे इसकी क्षत्रियता मेरी क्षत्रियता इसके सामने कुछ काम नहीं कर गई, यह प्रकृति की ब्रह्म शक्ति क्या है? इस ब्रह्म शक्ति को देखकर जब विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे सामने मैं कुछ काम नहीं कर सकता और विश्वामित्र वहां से चले जाकर उन्होंने अपने ब्रह्मा से अपने तपस्या से कहा कि मैं ये क्षत्रियता ये राजापन छोड़ देता हूँ, मैं ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हूँ। और उन्होंने तपस्या की बात विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने ये आप सब लोग जानते हैं। आज वो ब्रह्म ऋषि का तो कहाँ आज हम कहाँ बैठे हुए, आज हम प्रजा के रूप में बैठे हैं तो ये विधान नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे में वो ब्रह्मत्व प्राप्त हो और गुरु जी कहा करते इस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए हमें साधना जरूर है। आज भगवान श्री कृष्ण भी हो या राम भी हो गुरुकुल में जाकर पढ़े गुरु जी के पास रहे गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर 12 साल या 15 साल जो भी गुरु कार्य किए अगर गुरु बुलाता है तो बिना दक्षिणा के साथ विश्वामित्र के साथ गए और उन्हें उन राक्षसियों को मारा जिन राक्षसियों को विश्वामित्र लेके गए थे विश्वामित्र राक्षसियों को मारने के लिए। वशिष्ठ उनके गुरु थे उनकी आज्ञा से राम हो या सामने परि महामुनि के गुरुकुल में सुदामा कृष्ण आदि उनके गुरुकुल में पढ़े। तो यह विद्या और साधना उस जमाने में भी थी
उस जमाने में गुरु वो चाहे देवता, आज हम कृष्ण को देवता कहते होंगे, राम को देवता कहते होंगे, इन लोगों की साधना की। कहते हैं कि जब अष्ट भार्याओं के साथ श्री कृष्ण रहते थे तो बहुत साधना सके भावा को संतान नहीं हुई। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि संतान की सके भावा बार बार कहते थे मुझे संतान चाहिए, तो उन्होंने उनके गुरु से पूछा कि संतान किस तरह होगी, क्यों सत्य भावा को संतान नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ऐसा कर मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास जा और भगवान शंकर पशुपतिनाथ को तो सिद्ध कर ले। वे गए पशुपतिनाथ मंदिर को गए और उन्होंने वहां जाकर पशुपतिनाथ से प्रार्थना की कि मुझे सत्य भामा की तरफ से संतान चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तू ये बात स्वीकार कर कि तेरा जो पुत्र होगा उसको मेरा नाम रखेगा, तुझे सत्य भामा को संतान हुई। और उन्होंने श्री कृष्ण को सत्य भामा की साथ संतान हुई। आप भागवत में पढ़ सकते हैं उसका नाम सांब रखा गया, सांब सदाशिव जी कहते हैं। और उसका राज्य आज भी कश्मीर के पास सांबा नाम के क्षेत्र से जाना जाता है, जहाँ सांबा क्षेत्र है वो कृष्ण के पुत्र सांब का सत्यभामा के पुत्र का था। तो कृष्ण जैसे भी साधना करके अपने पुत्र को प्राप्त करते हैं तो हम साधना का मार्ग क्या शक्तिपात शिव जी नहीं कर सकते थे कृष्ण को, कृष्ण स्वयं शक्तिपात जगत गुरु कहलाते हैं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु ने भी साधना संपन्न की, किस कार्य की सिद्धि की। आज राम ने भी साधना सिद्धि की। साधनाएं बिना साधना के हम कुछ नहीं साध सकते। धर्म है, धर्म में क्या कहता है, तुम पूजा करो और भगवान से मांगो मेरी इच्छा पूर्ण कर। ऐसे में इसको धर्म कहा जाता है, इसमें पूजा द्रव्य पूजा उसे पूजा की भगवान स्वामी। धर्म करो तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करो साधना करो तो भगवान को देना पड़ेगा। और साधना करने वाला भगवान को प्राप्त करता है, जो साधना करेगा उसको भगवान को देना ही पड़ेगा। हम अगर खेती करते हैं बीज बोते हैं तो हमें देना ही पड़ेगा, हम साधना करके भगवान से मांगना नहीं भगवान को देना पड़ेगी शक्ति है। और धर्म करते हैं तो भगवान को मांगना पड़ेगा। साधना के माध्यम से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण, मेरे माँ बाप कोई करोड़पति नहीं थे और ना मेरे सास ससुर थे, मैंने जो भी प्राप्त किया आज भी प्राप्त करता हूँ। आप अगर मुझे चेतना केंद्र में किसी से जाकर पूछ सकते हैं कि कोई प्रसिद्ध आज तक घटी है क्या कि निकल चेतना केंद्र मांग रहा हूँ आप दो पैसे दे दो, किसी का कार्य हुआ तो वो निखिल चेतना केंद्र को पूछता है। मैं किसी को ये बात भी नहीं कहता, आपको भी कहता हूँ जीवन जियो तो सामर्थ्यवान जीवन जियो, असमर्थ जीवन जानी जीना, तपस्या करो साधना करो ऐसे जीवन करना करो, आपके बच्चों को आपके पति पत्नी को सामर्थ्यवान बना सको और सदा लोगों को आप समर्थ रह सको वो जीवन चाहिए। अपने जीवन के लिए तड़पे जो अपने जीवन के लिए तड़पे वो जीवन क्या जीवन, अगर वो गुरु नहीं दे सका तो गुरु ही क्या। अगर गुरु शिष्यों के पैसों पर जीता है तो गुरु नहीं कहला, गुरु देने वाला है। अगर मैं लक्ष्मी साधना देते हुए मैं कहता हूँ तुझे लक्ष्मी की दीक्षा देता हूँ या लक्ष्मी साधना कहता हूँ तुझे लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी मेरे को पैसे आएंगे तो मेरे को क्यों नहीं आएंगे, मैं क्यों तेरे सामने हाथ पुसा रहा हूँ तू मुझे पैसे दे, लक्ष्मी मेरे पास है लक्ष्मी आएगी। अगर मैं लक्ष्मी के लिए तेरे से प्रार्थना करता हूँ तुझसे देता हूँ तो मैं असमर्थ, मैंने आज तक कुछ नहीं प्राप्त किया ना मेरे पास लक्ष्मी है सरस्वती है काली, मैं शक्तिमान हूं तो मैं साधना करके इसको बता दूंगा कि मेरे पास लक्ष्मी तेरे लिए भी मैंने जीता, मैं तुझे देने की शक्ति रखता हूं। और जिस दिन ऐसा गुरु तुम्हें मिले उसके चरण नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के चलना। आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आजकल धर्म बेचा जा रहा है, हिंदू धर्म हो या और कोई धर्म हो आप पैसे दो तो आप, आजकल शिष्य भी ऐसे हो गए आएंगे पहले समस्या बताएंगे और समस्या के बाद उन्हें कहेगा कि तुम ये साधना करो या ये मंत्र जप करो या इस पूजा को करो, तो शिष्य पहले पूछेगा गुरु कितने पैसे देने, शिष्य उसको गुरु को सिखा रहा है कि कितने पैसे देने से मेरा काम हुआ। अब तुम पैसे पूछोगे तो देगा वो पूछेगा ही पूछेगा, तुम ये नहीं कहते कि तुम कौन सी साधना करनी, क्या जंगलों में रहने वाले सब लोग ऐसे ही पैसे दिया करते। आज हम जिसकी भी निंदा करते हैं या करते हैं, आदि शंकराचार्य थे कई गरीब के घर में गए और जब वो गरीब आई तो उसने देखा कि उसके घर में सिर्फ दो औदुंबर, औदुंबर का मतलब क्या है गुलर, गुलर के दो फल जो भी गिरते थे पेड़ से भी नहीं तोड़ती थी जो गिरे हुए उसको ले गई, उसका पति तपस्या को तपस्या के लिए गया था और अकेली गई थी। शंकराचार्य उनके घर में गए और कहा कि कौन थोड़ी भिक्षा दी ये भिक्षा दो, तो वो घर के अंदर से आई उसके पास दो गुलर के फल थे, उसने कहा हे महाराज हे आचार्य मेरे पास केवल दो गुलर के फल है, एक मैंने मेरे पति के लिए रखा है और एक मेरे लिए, तो मेरे हिस्से का जो फल है वो मैं तुम्हें दान में देती हूँ, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। शंकराचार्य के आंखों में आंसू आए, मैं ऐसे घर में भीख मांगने ऐसे घर में भीख मांगने गया मैं सन्यासी जिस घर में इतना देने नहीं, हे महालक्ष्मी तू तो घर को रक्षा करने वाली सबको देने वाली है, आज मैं
इससे इतने दरिद्र के घर में मैंने मांगने गया और मैं इसे कुछ नहीं इसे हमने क्या अधिकार बनता है इसको पूछने का। और उन्होंने कनकधारा स्तोत्र वहां पढ़ा, कनकधारा स्तोत्र पढ़ा, लक्ष्मी को कहा कि मां इस घर को इतना ईश्वर ले 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 कि ये मेरे जैसे हजार लोगों को दान दे सके। अगर ये नहीं कर सका ऐसे घर में भी नहीं मानना चाहिए। और जैसा ही कनकधारा स्तोत्र पढ़े उसके घर में कनक प्रसाद और वो एक गुलर के फल के बीच में उन्होंने उतना कुछ संपन्नता प्रदान की। उसे कहते हैं आज मांगने से पहले विचार कर, मैं अगर मांगता हूं तो तुम्हें इससे पहले मांगने से पहले विचार करना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। और नहीं दे सका तो मुझे गुरु देने का अधिकार नहीं है, ना मैं गुरु भाई हूं, ना मुझे ज्ञान देने का अधिकार। आज हम पत्रिकाओं के माध्यम से साधनाएं लिखते हैं, साधनाएं आप भी करते हो या नहीं करते हो जो भी हो, साधना में कहना कहा जाता है जब करो दशांश भवन करो उसका ऐलान करो वो करो और फिर कहते हो कि कोई जरूरत नहीं। फिर पत्रिका में लिखते क्यों कि साधना करो, क्यों भवन के बारे में लिखते हो और हम करने के लिए मना क्यों करते हो, ये क्या विधान रहा? या तो पत्रिका में है वो तो गलत बोलो, नहीं तो आप जो कहते हो वो तो सच है, ये बताओ। हमारे क्या ऋषि मुनि साधना संपन्न नहीं होते थे? उन्होंने यज्ञ आदि नहीं किए, यज्ञ कार्य आदि नहीं किए और वे संपन्नवान नहीं हुए? यज्ञ से पचन हुआ, पचन से अन्य संभव और अन्य से हम जीते, क्या ये तपस्या के पहले नहीं हुई? राम ने मंत्र जप नहीं किया, सीता माता ने मंत्र जप नहीं किया, कृष्ण भगवान ने मंत्र जप नहीं किया? और जब तक हम इस अनुभव नहीं करते, हम इस साधना को नहीं करते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम कहां बैठे हुए। आज साधना का अर्थ में यह बताता हूं तुम्हें कि तुम एक बीज बोलो, तुम्हारा घर है और तुम्हें उसके एक घर में आम का पेड़ लगाओ, ये बात अलग है। आम का पेड़ लगे बढ़े, उसको अच्छी तरह पढ़ के पाल पोस करके तो उसको हजार आम लगेंगे और हजार आम आप भी खाएंगे और दस लोगों को खिलाएंगे। और साधना भी वैसी, साधना में बीजाक्ष मंत्र कहा जाता है और उस बीज को साधना के मंत्र के बीज को डालो तो वृक्ष होगा, वृक्ष होगा तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी बैठेंगे, उसकी छाया के नीचे मनुष्य लोग बहुत सारे लोग छाया के नीचे बैठेंगे, उससे फल मिलेंगे और वो फल आप भी खाएंगे दूसरों को भी खाएंगे, ये साधना का फल होता है। और शक्तिपाद दीक्षा का मतलब ये होता है मेरी शक्ति आपको प्रदान करना, यानी किसी झाड़ को आम तोड़ है, आम तोड़ ले खा लिए और चले गए, बस दूसरी बार जाओ तो गाली देता है मेरे यहाँ, मेरे घर का आम तोड़ लेता तोड़ेगा क्या, मुझे क्या झाड़ क्यों नहीं लगाता। इसलिए साधना का मार्ग ये है कि तुम पेड़ लगाओ, तुम्हारे पेड़ होंगे, तुम भी खाओगे दस लोगों को खाना खिलाओगे, दूसरों के पेड़ से आशा मत करो और आशा नहीं करोगे। साधना का मार्ग इस तरह हम साधना के मार्ग से आगे बढ़ेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं साधना के मार्ग पर ही आगे बढ़ा हूँ, साधना के मार्ग पर ही आगे चलते रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे शक्तिपाद दीक्षा केवल उस 10 साल मैं जो भी गुरु के साथ रहा केवल 2 बार शक्तिपाद दीक्षा ली, एक गुरु पूर्णिमा में और एक मैं पहली बार दिल्ली गया था, बाकी के सर सारे दिन मैं आज तक भी साधना करते रहता हूँ, आपके साथ बैठकर साधना करता हूँ, ये मेरी है। और साधना के मार्ग पर ही जो गुरु जी ने बताई है उन साधना के मार्ग पर भी आगे इतना जो भी आपके सामने बैठा हो इसकी स्थिति आने के लिए वो साधना ही कारण है। हम साधना को समझें, कारण आदि कार्य आदि बातों को समझें। हमारे को कभी कभी कहा जाता है कि कार्य कारण आदि प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते, कार्य को या उनको क्या कहा गया है, 10 महाविद्या। महाविद्या का क्या अर्थ होता है, विद्या पढ़ने के लिए होती है या विद्या पूजा करने के लिए, ये बताओ। विद्या पढ़ने के लिए होती है, पूजा करने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए होती है तो तारा महाविद्या सारी महाविद्या है, हमें पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए। काली है काल का ज्ञान देगी, तारा है खगोल शास्त्र का ज्ञान देगी, भुवनेश्वरी है भुवन का शिवलिंग का ज्ञान देगी, धुआं की गैस का ज्ञान देगी, ये महाविद्या है। इनको सिद्ध करके जो आदमी आगे चलेगा वह उसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त करेगा। पूजा और साधना ये है कि उस मार्ग में चलने के लिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विधान, इस विधान से जो गया वो श्रेष्ठ हुआ। और जब तक इस विद्याओं का तत्व हम नहीं जानते तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे जहाँ बैठे हैं। ये काली प्रत्यक्ष है, काली क्या प्रत्यक्ष, काली का अर्थ क्या है, काली का अर्थ है तुम्हें काल ज्ञान का प्राप्त होना, तुम्हें आगे क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में, आज क्या हुआ है, पिछले जीवन में तुम क्या थे, इसका ज्ञान देने वाली माँ काली है। और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है वो अर्थ होता है तुम्हें काल ज्ञान प्राप्त हो। तारा का अर्थ है इस संसार में वो नक्षत्र जिसके ऊपर आधारित तुम हो और तुम्हारा जीवन सुधरे, तुम्हारे घर में वो विद्या स्वर्ण विद्या प्राप्त हो, तुम जिस कार्य को करो ऐसा कार्य चुनो जिससे तुम्हें पैसा प्राप्त हो सके। भुवनेश्वरी का जो कॉन्ट्रैक्ट तो सिविल इंजीनियरिंग करके हो रहे हो, भुवनेश्वरी की विद्या सिद्ध करके तो उनका कॉन्ट्रैक्ट निश्चित रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट में सिद्धि पाएंगे।
जो पेट्रोल वाली गैस की कंपनियों में काम करते हैं वो अगर धुआं की करते हैं तो निश्चित रूप से कोयला की खदान कोयले की खदान में काम करने वाले उनको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार इन महान इनको महान किया गया है, इनको विग्रह या मूर्ति नहीं कहा, मूर्ति और विग्रह तो अपने लिए इन साधना को इस प्रकार करके हम सिद्ध कर ले सकते हैं। इसका ज्ञान हो इसका तत्व तो हम जाने, जिस दिन तत्व जानेंगे उस दिन हमें उसमें इतना आनंद आएगा कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। आज जिस कार्य को भी हम करने से पहले हमको जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम उसका उसकी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार तत्व विद्या के बारे में ये हुआ, काशी में कबीरदास जी ये अपने रामानंद नाम के गुरु के पास विचरण करते थे, बैठे रहते थे। एक दिन रामानंद जी ने कहा, देख कबीर, मैं सभी को एक एक काम सौंप दिया हूँ, आज मेरे पिता और पितामह का श्राद्ध है और मैं सभी ब्राह्मणों को भोजन दे रहा हूँ, उनको खीर खिलाऊंगा, खीर खिलाना है। तो बोले उठी पिता और पिता में कहा, तो मर गए, उनके श्राद्ध कर रहा हूँ, उनको संतुष्टि देना है, उनको मैं श्राद्ध को खिलाना है, श्राद्ध भोजन देना है, मैं ब्राह्मणों को बुलाऊ जिससे मेरे आयु ब्राह्मण खा लेंगे, मेरे पिता की आत्मा तृप्त होगी, मेरे पिता जी सब खा लेंगे और उनको सिद्धि मिलेगी। ऐसा कबीरदास जी को रामानंद जी ने कहा और कहा, एक बकेट लिया, एक घड़ा हाथ में लिया और कहा, तू खीर के लिए दूध लेके आ जा। कबीरदास जी घड़ा लेकर गए, सुबह 6 बजे निकले, 10 हुए, 11 हुए, 12 हुए, कबीरदास जी दूध लेके नहीं लेके आते, जब ब्राह्मणों को खीर नहीं मिल रही है और रामानंद जी देख रहे हैं, उन्होंने दूसरे लोगों को भेजा और दूसरे दूध नंबर खाने खिलाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दिया। आखिर उनको तंग आकर ये बोलने लगे, अरे जरा देख के तो आ कि कबीरदास जी गए कहां। तो सभी शिष्य काशी में ढूंढने के लिए निकले, कबीरदास जी एक जगह बैठे हुए थे, नजर आए वहां क्या था, गाय मरी पड़ी हुई थी एक गाय। अरे बोले तू यहाँ क्या कर रहा है, कुछ नहीं इंतजार कर रहा हूँ कि गाय कब दूध देगी। मूर्ख है, गाय मर गई है वो क्या दूध देगी। अरे भाई जब मर गए तुम्हारे पिताजी खाना खा सकते, खीर खा सकते, तो गाय को भी दूध दे सकते, मैं इसका इंतजार कर रहा था, तत्व की बात कर रहा। जब मरी हुई गाय दे सकते हैं तो तुम्हारे मरे हुए पिता की खीर खा सकते हैं, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। रामानंद को ज्ञान हुआ मैंने कहा दूध दी, इसलिए हम तत्व को जब तक नहीं जानते हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते, हमें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ, एक सूफी संत थी, उसका नाम था राबिया। तो एक बार वो बैठे बैठे अपने आंगन में कुछ ढूंढ रही थी, उनके सारे शिष्य आए और पूछा कि बोले हे माता जी क्या ढूंढ रही हो। अरे मेरी सुई गिर गई। सब लोग भी सुई ढूंढने लगे, माता जी सुई कहाँ गिरी। अरे वो मेरे कमरे में गिरी। अरे कमरे में सुई गिरी तो ज्ञान ढूंढ रही ने, वहां अंधेरा है इसलिए उजाले में ढूंढ रही। अरे वहां जहां सुई गिर गई है वहां ढूंढते हैं, उजाले में ढूंढते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मैं यहीं ढूंढती हूँ, तुम भी ढूंढो, अगर मिल गई तो अच्छा है। बोले ये मूर्ख पागल औरत है, कहा कमरे में अंधेरे में सुई गिर गई और यहाँ ढूंढ रही, मां यहाँ नहीं मिलती तुम पागल हो गई, क्या यहाँ से यहाँ सुई मिलती है, क्या यहाँ सुई मिलेगी, तुम तो पागल हो। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। राबिया ने कहा तुम पागलों को यही देख रहे हो कि जो मन में बैठा भगवान अंधेरे में बैठा है उसको ढूंढना छोड़ो, मंदिरों मस्जिदों में भगवान देखते हो, कहीं बाहर बाहर दिशा में भगवान को देखते हो, तो मैं वैसे ही ढूंढने के, अगर यहाँ सुई मिल रही तो समझो तुम सही हो, मैं भी भगवान को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढूंगी। जो जब तक तुम्हारे में नहीं देती, तुम्हारे में ढूंढनी थी, तुम्हारे तत्व को ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, मैं सुई को उसी तरह ढूंढ रहे हो जिस तरह तुम भगवान को ढूंढ रहे हो। और हम अंधेरे में टटोल रहे हैं आज तक हम भगवान को ढूंढने के लिए। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा बाहर नहीं आएंगे तब तक हम ना स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे ना देवता की प्राप्ति करेंगे। जो भी कार्य करना है स्वर्ग को देखना है तो आपको मरना है, और साधना देखना है देवता मुक्ति से करना है तो आपको करना है, कोई देने से काम नहीं चलेगा, और देने दिया हुआ काम कुछ ही क्षण के लिए काम आता है, बाद में काम नहीं आता, रोज रोज कोई देने वाला नहीं। हमको जब तक इसका ज्ञान नहीं होता, जब तक इस